Stotram, Father, Stotram. Srotam, Srotam. Stotram, Father. हाँ. प्रेयर करने से नहीं होता है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है. मैं अच्छे से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ माँ. अरे ये क्या बोल रही हो, हमारी बिटिया अच्छी तरह पढ़ रही है ना, वो हर एक चीज में फर्स्ट ही आती है. वो भी मैं इतने बार कहने से. पापा, सेदो अंकल और जया आंटी को सुबह जाते हुए देखा था, वो कहाँ गए आपको पता है? हे भगवान, कल तू एक कंपटीशन के लिए जा रही ना, ये मंदिर को आके कचना नहीं किया तो मैं तो बेचैन रहूं. नमस्कार. सुबह मुझे जल्दी जगाया ना, वो क्यों मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. तुम्हारे पिताजी ऐसा ही है, कुछ जिद पड़ी है तो वो बिल्कुल कर लेगा. जल्दी आना. आ रही हूँ. देर हो रहा है. बस बस बस, तू रेस्ट ले लो. रेस्ट नहीं चाहिए, प्राइस किसी और को मिलेगा. पिछली बार क्लासिक परफॉर्मेंस की थी, वो जजेस का जजमेंट तो गलत था, इसको तो रनर अप कर दिया ना. इसके लिए तो क्या है भैया, अपील करने के बाद उसको पहली चेहरा तो मिल गई ना. अच्छा ठीक. हाँ। इस बार वैसा नहीं होने वाला है पिछली बार जैसे हुआ था. इस बार अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरी तरह से बैन कर देंगे. वजह क्या है बताया तुम्हें? सरकार बदल चुकी है. ओ, इनको चुप बैठने को बताइए ना, सभी समय हिस्ट्री को लेके आ रहे हैं. बेटा तुम इतना देर कहा था. मैं क्या बताऊं, दुकान में भीड़ ज्यादा थे इसलिए देर हो गई. हां कल ही देने को बताया. हां हां सुमी चेची वहाँ थे इसीलिए इतनी जल्दी मैं आ गई. सुमी? हाँ हाँ. वो क्या कर रही थी वहाँ? अंकल आपको पता नहीं, वो बड़े डांसर है. वो डांस करेगा क्या? क्या ऐसे पूछ रहे हो, वो तो बहुत अच्छी डांसर है, इसको स्टेप सिखाती है. ऐसा क्या? तो ठीक है, तुम तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, तू ही प्राइस जीतना. हाँ, वो सब उसको मालूम है, आप मत बोलना. हे मरिया, इस बार कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, अच्छी तरह होना है. अपनी काली जुबान से कुछ मत बोलना तुम. सिद्ध, इस बात का ध्यान रखना कि वो पंचायत मेंबर यहाँ ना आए. तू कितना भी बोलो वो लोग आ जाएगा, देखते रहो. हाँ हाँ, वो भी दुकान में बैठ के बात करते थे, मैंने भी सुना. क्या? इस बार वो भी वहाँ आएंगे. हाँ. अच्छा, सुना ना तू, मैं तो सही बोला. बहुत समस्या होने वाला है. ये मुँह खोल देना, जरूर होगा. Next test number is 333.
भगवान तुम्हें कामयाबी दे, मैं चलता हूँ सर। क्या हुआ, और कितने समय लगेगा? जो बच्ची अभी नाच रही है उसके बाद इसी का नंबर है, तुम आओ। ओके पापा, चलते हैं। हाँ भैया, लेकिन आज दुकान का कौन देखेगा? मेरे बेबी को देखभाल करने के लिए बोल के आए थे, लेकिन उसको कौन देखभाल करेगा? कोई कीमती सामान रखा गया इस बॉक्स में? परसों और कल ना बेचने वाले काचोरी है इसके अंदर। कोते को दिया वो मुंह भी नहीं लगाया, यहाँ सभी को देने के लिए लाया हूँ। बड़ा दिल ही तुम्हारी कामयाबी का राज है। जेनी बेटा, जेनी बेटी। नमस्ते साहब, मैं जेनी बेटे से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। ओ बेवकूफ, कही के हम जेनी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं? मैं ऐसा बताने के लिए पागल थोड़ी ना हूँ। मैं जेनी बेटे की टेंशन को रिलैक्स करने के लिए कॉमेडी कर रहा था। किसी ने भी नहीं हंसाया। एक मिनट। हेलो, जी हाँ, हाँ मैं प्रेसिडेंट ही बोल रहा हूँ। क्या आज बहुत जल्दी है क्या? आ रहा हूँ। नहीं होता क्या भैया? मूलर गेस्ट हाउस में एक मिनिस्टर है, वो मुझसे जल्द मिलना चाह रहा है। अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं खाएगा बोल के जिद कर रहा है। हाँ, वो भी सच है, तू जल्दी निकल जाए यहाँ से। यहाँ पूरे होने के बाद मैं भेटी और ट्रॉफी को लेके वहाँ आऊंगा। ठीक है। जेनी बेटा, ये जो तुमने बंजारन का बेश डाला है, अच्छा नाच करना, ठीक है? भैया ये तो ऐसे वैसे डांस नहीं है, मोहिनी आटम है। तू निकल जा। अच्छा मैं चलता हूँ। ये ले बेटी, इसके अंदर कचोरी है। डांस करने के बाद तुम टायर्ड हो जाएगा ना, उसके बाद तू कहाँ जाना, ठीक है? अच्छा आप कब आए? चलो हम स्टेज पर चले। क्या चाहता, आप कब आए? अभी 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 निकलेंगे। हाँ मैं चले जाऊंगा। बढ़िया परफॉर्मेंस देना, टेंशन मत लेना, सबका आशीर्वाद तुमको है। देर हो रही है बेटी, चले। तुम्हें एसीडी नहीं चाहिए क्या? हाँ, तुम क्या करती हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप इस तरफ आइए। मैं भी इनकी साथ। चलो हम चलें। नहीं, आप भी आना, मुझे सपोर्ट चाहिए ना। आइए आइए। वो क्या है कि अगले वाले डांस करने वाले बेटी है ना, वो हमारी बेटी है। वो क्या है कि मेरी दुकान को आके चाय पीते है ना, उसकी बेटी है। आप ही है ना मार्क देने वाले, थोड़ा मार्क ज्यादा दे देना, नंबर 300 है। हेलो, क्या चाहिए आपको? वो क्या है कि अगली डांस करने वाले बेटी मेरी तरफ से है। हाँ, वो कर लेंगे। नंबर 300 है। चलिए चलिए चलिए, आप कहाँ से आ जाते हैं? आ रहा हूँ सर। आप लोग फिक्र मत कीजिए। मोहिनी आटम नृत्य शुरू होने लगा है। अगला चेस्ट नंबर है 305। जजेस प्लीज नोट दिस नंबर 305 ऑन स्टेज प्लीज। अखबार में कोई नई खबर ही नहीं आई है भैया, आपने देखा ये? हाँ। अपनी जेनी की फोटो आई है इसमें, देखो अखबार में। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब तो अगर पैसे देंगे तो छप देते हैं। हाँ डालेंगे, लेकिन तू तो नहीं कर सकते ना, ज्यादा बोलना मत। ये ले। आपने बिल्कुल ठीक कहा, डांस में और पढ़ाई में हमारी जेनी को कोई नहीं जीत सकता है। इस पूरे जिले में वो अव्वल नंबर पे है। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? हाँ। ये देखो किससे जाके पूछ रहे हैं ये लोग, खा के पैसा देने की औकात नहीं है जिनकी। वो आ गए। क्या कलरफुल है। जो मैं देते हो ना कहना, उसकी वजह से ऐसे आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। अंदर टिफिन है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बताओ कुमार, इस बार MLA सीट मिलेगा कि नहीं? हाँ जरूर, हमारे चाय दुकान में इनको सीट जरूर मिलेगा।
ऐसी कॉमेडी में तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। हाँ, छोड़िए ना, अगर हंसाने है तो उड़ेगा। इनको ऐसा मत बोलना क्योंकि ये एक दिन जरूर एमएलए बनेगा। हाँ, क्योंकि एमएलए को मार के ये इलेक्शन में जीतेगा। ऐसे बोलो भैया, तभी समझ में आएगा। यहाँ के लोगों को अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझे बाहर जाना होगा, मुझे दिल्ली जाना होगा। तुम इतना गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अगर तुम कहती हो तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। क्षमा कर दूंगा, तो टिफिन ले लो। तो इसको जमा में लिखना। ठीक है, इसको क्या होगा? उनको टेंशन मत करना, ऐसे हंसने दो, नहीं तो बहुत भारी होगा। ठीक है, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, देख के जाना। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे वहाँ किसी से अर्जेंट मिलना है। अरे ये क्यों ऐसे कर रहा है, मुझे जीने दे यार, कहीं ना कहीं तो गाड़ी चलाने दे। है, हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत अच्छी जोड़ी है। सच में प्रेसिडेंट जी को काम ज्यादा है। ऐसा क्या? क्या है कि प्रेसिडेंट जी है तो सबको काम करना है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भी जाना है क्या उनके पीछे? अरे क्यों ऐसे हंस रहे हो यार, थोड़ा दी में हंस, चुप कर। आज भी लेट हुआ, मुझे उनके बातें सुननी है। सरस्वती, सरस्वती धीरे चलो, इतना तेज क्यों भाग रही हो? हाँ हाँ, धीरे चलो तो लेट हो जाएगा मुझे। दिन भर में कितने दूर पैदल चलती हूँ मालूम है क्या आपको? जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, और इस विषय में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हाँ। लेकिन मेरी एक बात माननी होगी, ऐसा कंपनी का ही काम देखती रहोगी तो अपने बारे भी कुछ सोचो, एक जिंदगी। हाँ, ऐसे मैं भी चाहती हूँ, मगर मुझे यकीन करने वाले कोई भी चाहिए ना। क्या हुआ? ऐसा एक आदमी मिल गया, सोच लो तुम। कैसे आदमी? मेरे जैसा शक नहीं करने वाला आदमी। देख तो सही, कैसे ख्याल है आपका। देखिए कुमार, पहले आपके पत्नी को पैसे देने को सीखो, बाद में मेरे बारे में सोचना। मैं उसको पैसा नहीं दिया, तुमको किसने बोला? वो फिर कैसे जी रही है? नहीं, ओ आपके पत्नी है ना फोन पे। वो तुम कैसे जानती हो? अगर कोई लड़की से बात करते समय पत्नी के यहाँ फोन आया है तो सभी आदमियों का मुंह ऐसे ही होता है। कैसा होता है? जैसे करेले को काया है। ठीक है, आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। सुबह सुबह आ जाता है। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी क्यों फोन किया तुमने? मैं यहाँ हूँ, तुम जानती हो ना। अच्छा, बच्चे का क्या हाल? उसको बुखार था? हाँ ठीक है ठीक है। हे इंटरनेट बाबा, ऐसे वक्त में कैसे सिग्नल मिल जाता है? गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई। ये बोलने के लिए भागी आई? मैंने सोचा कि मुझे मारने आई है। जाइए जाइए। आज अच्छे मूड पे है, ना जाने क्या होगा। उनका मूड चेंज होने से पहले जाइए। आज मन बहुत खुश है, लगता है जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पा लिया है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? आपको मिल गया ना तेरी बेटी जैसी समझदार गर्ल कौन है यहाँ। 100% ये सच है, मगर उसका आधा श्रेय तुम्हारे बच्चों को जाता है। अरे देखो, नाम लेते ही आ गया ये। अच्छा जी, वाह, क्या हुआ बैंगलोर का? इस बार कलेक्शन थोड़ा कम है। कल हम सेटल कर देंगे। बैंगलोर से फोन किए थे, ओडी को ये हफ्ते क्लियर करना पड़ेगा। ओ, और 3-4 दिन है ना, हम कर देंगे। मतलब काम हो जाएगा। अच्छा तू जल्दी कर जा, माँ को कुछ लेने का है। जाते समय जेनी को भी साथ लेके जाना। और छोटे लाल, कहीं तुम्हें मिला तो कहना कि मैंने उसे याद किया है। हाँ, मैं कहूंगा। जीवन का यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ जो आमदनी उसे मिल रही है ना, उसे उसका भला नहीं होने वाला है। उसके भविष्य को बनाना हमारा काम है। मैंने बैंगलोर के यार से इस बारे में बात की है। मुझसे तुमको ही उसको ऊपर प्यार बहुत है। सिर्फ वो नहीं, हमारा तकदीर तो भगवान से डर नहीं होता है। सही बोला तुमने।
अरे यहाँ बैठो। नहीं यहीं बैठूंगी। लाओ 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 जल्दी लाओ। क्या केर है, सेमिया है क्या? एक चम्मच भी ला सकती थी ना। मैं नहीं बैठूंगी। एकदम मस्त है। केर सुपर है बेटी, बहुत अच्छी। मेरे पॉकेट मनी को सेव करके इसके लिए खर्च कर रही हूँ। सिर्फ इसके लिए इतना है क्या? वो भी नहीं किया है ना क्या अंकल? अरे कम से कम उसने खीर बनाई, तुमने क्या किया? सब पूछो। सब लोग देने के बाद दे दूंगा, क्योंकि उसमें भी वैरायटी है ना। हाँ हाँ सही कहा। चुप रहो। इनके खुशी है हमारे लिए बस, क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हंसी खेल ने पढ़ाई भी अच्छे से करना है। लिसी आंटी वर्गीस अंकल को बता दिया क्या पापा? तब भी बोल दिया। ये देखो वर्गीस सिर्फ हमारे घर का मालिक तक नहीं है, हमारे लिए वो तो भगवान भी है। ठीक है तुम उससे बताया क्या? हाँ मैं सबको बुला दिया। बाकी लोगों से प्रेसिडेंट बोलेगा। एडमिशन? वो तो राष्ट्रपति नहीं है, पंचायत बोर्ड प्रेसिडेंट। वो आदमी है क्या? उनको बोल दिया तो बस पूरा गांव को पता चल जाएगा, सच में वो ग्रेट है। हे मेरी मेरी माता, काली जुबान है तेरी, काली। ये बस ना, तुमको खुशी मिल गया ना? दीदी। क्या क्या है भाई? दीदी और क्या कुछ खास है? हो कुछ खास नहीं, हम तो ऐसा ही जी रहा है। हाँ हाँ कुछ खास बात है तो बता दूंगा। मैंने तुमसे कोई बात नहीं की भाई साहब। अरे एक और खा ली ना। अरे जल्दी कीजिए, खाना खाने के बाद और भी काम पड़ा ना। वहाँ जाइए जाइए। जा रहा हूँ। क्यों ऐसे चला रहा हूँ? जल्दबाजी मत कर, आ रहा है ना। अरे कितना पैसा दे के हमने इसको खरीदा है, क्यों यहाँ लगा यार? जल्दी अंदर रख दो। हाथ थोड़ी कर रहे है क्या ये सब? क्या हुआ भैया, दो दिनों से आप नहीं आए? क्या करूं भाई, बहुत बिजी हूं। अगर हमारे गांव में कुछ भला हो रहा है तो मेरा वहां रहना जरूरी है, मैं लोगों का सेवक हूं ना। हाँ हाँ। सुनो तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे वही तो मैं कर रहा हूं, दिखता नहीं है क्या? देखा देखा, लेकिन मेरे से कोई पंगा मत लेना भैया। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं, अगर इसने कोई पंगा लिया तो परेशानी तुम्हें होगी, मैं आपके लिए इसे छोड़ रहा हूं। हां छोड़ो, हमने जेनी की तारीफ में एक आयोजन रखा है, मैं चाहता हूं आप लोग सब उसमें आए। हम सभी लोग आएंगे। सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा। हाँ। हम सबको मिलके उसे एक अच्छा तोहफा देना होगा। जरूर आपसे जितना हो सके उतना करो बस, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? वो तुम्हें चाहिए क्या? जरूर देना होगा, वरना गांव वाले हमें बहुत छोटी नजर से देखेंगे, हम गांव वाले की नजर में छोटे नहीं बन सकते। ये बात सही है। हाँ हाँ जरूरी। आप जरा ये देखिए क्या है इसमें, बहुत लोगों ने बहुत पैसा दिया मुझको। बड़ी रकम लगता है। वो क्या? मेरे पास इतना ही है, ये मेरी तरफ से भी है। हाँ चलेगा, 1100 1200 1300। छोटे भैया क्या है? कल से मेरी कुछ तबीयत खराब चल रही है। खांसी है क्यों तुमको? हाँ खांसी और बुखार जैसा लगता है। ये लो मेरे पास अभी बस यही है। कोई बात नहीं, जितना है उतना चलेगा। अरे जल्दी करो ना भाई जल्दी। अरे भाई जो ये मांग रहे इसे दे दो, वरना लगता है ये मुझे ही कच्चा खा जाएगा। 1100 1200 रुपए। लेकिन आदमी डिसेंट है, इसके माँ बाप विदेश में है इसलिए इसके पास इतना पैसा है। खाओ खाओ खाओ। 3100 3200। हाँ एक मिनट, कॉलेज का तो नंबर वन है, ज्यादा फ्रेंड्स मिल गए तो मुझे भूल जाएंगे क्या? आप चुप रहिए भैया, ये पहली बार है क्या फर्स्ट प्लेस आना? मैं अपनी जिंदगी में हमेशा पुरानी चीजों को नहीं भूलती हूँ, ऐसे ही हमेशा रहूंगी, समझे? ओके ओके, शाम को मैं नहीं आऊंगा, फैक्ट्री में थोड़ा काम है, कॉलेज बस में आ जाना, वहाँ से हम लोग एक साथ चलेंगे। चलो सर, हमारे कैशुअल वर्कर्स पे डेली वेजेस पेंडिंग है। वो ठीक कर दूंगा, तुम जाओ अभी। हाँ, ओके सर। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। नमस्ते। अच्छा साहब, सब कुछ ठीक है ना? या श्योर, नहीं तो जितनी मेहनत करी हम लोगों ने सब वेस्ट चली जाती है। तसल्ली हो गई, सब आपकी कृपा से ही। अगर एकता हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सालों से हमारा एक ख्वाब था, यहाँ की चाय हम विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा सोचा था हम लोगों ने।
अच्छा साहब, हमारा मजदूरों की समस्याओं को भी सब हो जाएगा। और सुनो, फैक्ट्री की रिपोर्ट जानने के लिए सीटी ग्रुप ने आदमियों को भेजा है, उनका ध्यान रखना। बेफिक्र रहिए, मैं देख लूंगा। हाँ, तुमसे एक बात कहना मैं भूल गया। 10-20 साल पहले स्टेट से बहुत दूर टाउन के पास कहीं एक जगह आप ठहरे हैं ना, वहाँ पहुँचने में ही आपको आधा घंटा लग जाता है। नहीं सर, वो क्या है तो स्टेट में रहने के लिए पहले कोई सुविधा नहीं थी, पर हमारे हालात आजकल बहुत सुधर गए हैं। मेरे बंगले के पास 5वें ब्लॉक में आप लोगों के लिए 2 विला बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों की सहमति है या नहीं, यही मैं आप लोगों से जानना चाहता था। आप दोनों ऑफिस खत्म होने पर मेरे केबिन में आके मुझसे मिलना। ओके सर। तुम्हारे डैडी ने अभी फोन किया था। हेलो विष्णु, अब मां भी जाने आप आ रहे हैं? डैडी वैसे ही है। सफर बढ़िया रहा? हाँ, 7-8 साल पहले डैनी के साथ मैं यहाँ आया था, उस दिन और आज में ऐसा भी कोई बदलाव नहीं है। अभी यहाँ कितने स्टाफ है? टोटल 225 स्टाफ। यहाँ का चाय तो डैडी को बहुत पसंद है। आपका डैडी को हमारे कंपनी से बहुत प्यार था। जब वो दुबई गया था ना, तभी थोड़ा गैप हुआ। अच्छा, ये मेरा बेटा जीवन। हेलो, हाय। हमारे सिटी ग्रुप चेयरमैन है ना, उनका बेटा ही विष्णु है, इंस्पेक्शन के लिए आया है। एनीवे, मुझे अभी थोड़ा फ्रेश होना है। हाँ, तुम जाके इन्हें गेस्ट हाउस दिखाओ। हाँ, ठीक। मेरे पीछे आ जाना। उसी छोरे के हाथ में है कंपनी का भविष्य। दीदी, कितना हुआ? 40 रुपया। बैलेंस में फुर दूंगी। हाँ, ठीक है। सुना, ऐसे तुम चेंज नहीं दिए तो एक दिन वो हमारी गार को आ जाएगा चेंज के लिए। ज्यादा हंसना मत, समझो। मैं अभी बताया ना, उसमें तुम भी मौजूद है। आसरा साला, ये कौन है? एक्सक्यूज मी, ये हाथी बगाने क्या? नहीं, ये चाय का दुकान है, क्यों नहीं देखते क्या? सॉरी ब्रदर, मैंने ये सोचा कि ये हाथी बगान है। क्यों, उनके पास क्या है, ऐसे देख रहे हो? इस पहाड़ी इलाके में तुम्हें क्या चाहिए वो मैं तुम्हें लाके दूंगा। ये एस्टेट के मालिक मुझसे पूछे बिना इस इलाके में कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा है? और ये लड़कियां भी ना मेरी बहुत इज्जत कौन करती है। मालूम नहीं, कुटियाप्पा भाई के साथ जा रहे हैं। ये काम कर देगा। कुंजाचा, कहो। ये लड़कियाँ कौन है? वो जो सर की और सेदू सर की बेटियाँ हैं। वो दाएं तरफ जो लड़की की थी, देखा था आपने? उसका नाम जेनी है, बहुत अच्छा नाचती है। दूसरी लड़की का नाम रेनू है, वो हमारे सेदू सर की बेटी है। तो फिर कुछ हो सकता है क्या? अरे नहीं सर, छोड़ दीजिए ना, मेरे पास एक और गाड़ी चलाइए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, चलाइए, इससे भी बढ़िया जगह यहाँ देखने के लिए बहुत है। मैं तुम्हें घुमाऊंगा ना, चलिए। अरे कहाँ से आ रही हो? बेटी को देखने के गई थी। एक खास बात है। हाँ, मेरी भगवान, अब 3 महीने हो चुकी है, बिल्कुल बेडरेस्ट चाहिए, डॉक्टर ने बोला। मैं नहीं गई तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा। पुराने जैसे नहीं है, आजकल अच्छे से देखभाल करनी है। हाँ रोसमा, हमको तो बोल सकता है, रेनू और जिनी का शादी का समय आ गया ना। हम भी देख रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, ये सब होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, है ना रोसमा? हो भी ठीक है। हाँ मैं चलती हूँ, छोटी घर पे अकेली हूँ। ठीक है, ठीक है, तू चल। हमारा बच्चा सावित्री का बेटी एक ही उम्र है। अब देखो उसको शादी हो चुकी है, बच्चे भी आ गए। घर में मैं रेणु का बस शुरू किया तो अब उसने बोलेगा वो पढ़ रही है, वो छोटी है, और समय है। वहाँ भी ऐसे हो रहे हैं, जो भी बताऊँ वो कहते हैं वो बच्चे हैं। हाँ, इस साल तो फाइनल ईयर है ना, उसकी बात जल्दी से करना है। तू ठीक ही कहा।
सारे लोग मुझसे ट्रीट मांगे हैं। कोई स्वीट लेके देना है वरना मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। वहाँ देखो, वहाँ देखो, चलो चलो। हाँ सही कहा, चलो चलो चलते हैं। बेना वजह से सीन डाल रहे थे बेचारा। शिट, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओ मेंबर सर, कैसा है? कैसे हो? यहाँ तो कुत्तों का प्रॉब्लम है। बच्चे को कुत्ते ने काट दिया, काट दिया। अरे जब तक हमारे इस गांव के हमारे ये प्रेसिडेंट है तब तक कोई डॉगी किसी कुत्ते को नहीं काटेगा। अरे साहब शौचालय का भी कोई व्यवस्था करो। शौचालय के बारे में आज मैं मंत्री से बात करूंगा। टुडे मीटिंग है, कुत्ते की परेशानी के बारे में जरूर बताऊंगा। काफी है चाचा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, हवा ने दो। अब बात समझ में आई। गिरने के बाद उसके फेस का रिएक्शन देखने लायक था। तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन तुमने क्यों हंसाया? किसी लड़के ने भी लड़की के सामने हीरोइज्म ही दिखाएगा। लेकिन तुम ऐसे मत बोलना। ठीक है ठीक है। अच्छा वो क्यों यहाँ आए हैं? हमारी फैक्ट्री को सर्टिफिकेट मिलना है तो उनकी रिपोर्ट जाना जरूरी है। उनके बाद हमको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत है ना? बहुत अच्छी है ना मौसम? मुझे लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं। ऐसी मौसम में हमारे पास बोलने के लिए कहानियां ज्यादा होगा। आज हमारी है। यहाँ तुम बार बार आते हो क्या? कुछ तो हमको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, ऐसे स्थलों में ये भी एक है। तुम्हारी बात भी सही है। हमारा बचपन तुम्हें याद है क्या? स्कूल को जाना, हमेशा झगड़ा करना, छुरी टूट के मेरे हाथ से खून आया था, वो भी मुझे याद है। तेरी मैं आज मर जावा, तेरे मिलन को दिल तरसे, रिमझिम जब सावन बरसे। दूर दूर रह के जालिम तू न मुझको अब तरसा। तेरी
तेरे बदन की खुशबू मन को मेरे करती बेचैन, सांसों में आ बस जा मेरी और न अब तरसा सनम। है सीना मेरे पास आती है लाज मुझे उबालम, है सीना मेरे पास आती है लाज मुझे उबालम। मिले दो जहां मैं चल तेरे पीछे पीछे ले चल तू वहां, ओ मेरे हम सफर तेरे मिलन को दिल तरसे, रिमझिम जब सावन बरसे, दूर दूर रह के जालिम तू न मुझको अब तरसा, मोरनी सी चाल तेरी। आज मिलन तेरा मेरा जैसे जमीन और आसमां, तेरे मेरे प्यार की तो देगा गवाही ये जहां। इंद्रधनुष सा है ये समा, आ जाओ सजन दिल में समा, इंद्रधनुष सा दिल में समा। आजा ले चलूं एक प्रेम के नगर में, ऐसे लोक में जहां हो हम दोनों ही। जाने तू मन की मेरी तेरी धड़कनों के साथ धड़के दिल मेरा, तेरे मिलन को दिल तरसे, रिमझिम जब सावन बरसे, दूर दूर रह के जालिम तू न मुझको अब तरसा। अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अरे मैंने पहले ही तुम्हें उत्तर दे चुका है, समझी? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, इनके साथ पड़े बच्चे सब शादी होकर बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, अगर ये पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे जाती है तो अच्छी बात होगी। पढ़ने दो, शादी की बात भी पढ़ सकते हैं ना, आजकल शादी की बात भी पढ़ाई कर रहा है। सब ऐसा ही करना चाहिए क्या? यहाँ देख, मैंने तो कुछ सोच कर रखा हूँ, जब वो होता ना तब मुझे तृप्ति मिलेगा। तू देखते रहो, जब चाहे शादी कर सकते हैं क्या? छोटी उम्र में अच्छे लड़के मिलते हैं। जिस तरह मुझे तुम मिल गई। देखिए मुंह बंद कीजिए। बाप रे, डरा दिया मुझे। तू मुझे शादी किया इसलिए तू बच गया। तमाशा मत करो, बच्चों सुनेगा तो हंसेगा। बच्चे सुना तो हंसेंगे ही, जो मैं बोला वो सच है। हाँ। कल मार्केट से आने वक्त दोनों राधा के माँ को मिला, इसके बाद ही ये सब समस्या हो रही है। सारी मम्मा ऐसे ही हैं, बेटियाँ बड़ी होती ही शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन पापा मम्मा की बात नहीं सुनते हैं। हाँ मेरी बात भी ऐसी है, मगर सभी समय एक जैसे नहीं होता है। तुम बोलो तो उस मजल मैन को चूज कर ले। चल हट। देख वो 100 साल तक जिएगा। हेलो, आप जेनी और रेनू है ना? मुझे कैसे मालूम है? हाँ
जोश भैया की बेटी, सेदू भैया की बेटी। सही है ना? ऐसा ही हूँ मैं, आई एम विष्णु। कंपनी के एक्सपोर्ट लाइसेंस को ठीक करने आए हैं। नेटिव कोयम्बटूर है, अब तुम बैंगलोर में हो। सोच रहे हैं कैसे मालूम है? वही हम है। आप लोगों ने तो मुझे चौंका दिया यार, हाथ मिलाइए। न्यू जेन है ही है ना? तो फिर ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे ही। ठीक है, हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। यही कही। लेकिन क्यों? नहीं, वो यहाँ से गुजरते वक्त बस ऐसे ही। जानो सर, पैकिंग सेक्शन का अकाउंट्स पूरा लिख के देना, बराबर लिखना, ठीक है? मैं बैंक तक जा के आता हूँ। ठीक है सर। आ गई है मेरी जानू। हाँ ठीक है। नमस्ते। फैक्ट्री कॉम्पाउंड पे सिगरेट नहीं पीना है मालूम नहीं क्या? इसीलिए तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। अगर सार देखो तो बस। अरे अगर देखेगा भी तो इस प्रेसिडेंट को वो कुछ नहीं कहेगा। हो। और फिर जानू मेरी जान, और क्या कुछ खास बात है बहुत दिन हो गए मिलके? हाँ, क्या नया होता है, बस हमारा जीवन ऐसे ही चलते रहते हैं। और फिर फैक्ट्री की स्टॉक सब ठीक ठाक जा रही है ना? क्या अगर नहीं है तो करेक्ट करके दे देंगे क्या? और क्या, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे है। भाई दे भाई, मैंने सुना था कि तुमने घर खाली कर दिया वहाँ से। मगर क्यों? ओ, वहाँ तो कुछ बहुत सारा बदमाश लोग है, दिन नहीं होता रात नहीं होता। हाँ ठीक है, ये बात आपको कैसे मालूम? जब मैं वहाँ गया था तब किसी ने मुझको बताया। हाँ जानू, तुमने वो घर खाली किया, बहुत अच्छा किया। हाँ अब तुम कहाँ रहती हो? ओ, आपको बताना है क्या? नहीं, मैं जानना चाहता था बात क्या है कि मैं अगर वहाँ से जाऊँगा तो कभी पानी प्यास लगेगी तो। हाँ ठीक है ठीक है, इतना चाहिए तो घर जाकर आपके पत्नी को पूछिए, क्योंकि उसी ने घर दिलवाया। जानू, अगर वो बाहर घूमेगी तो मेरी वाट लग जाएगी। हे खुदा। कॉलेज से लौट रही ना? तुम्हें क्या चाहिए? तुमने क्यों हमारी फोटो निकाली? अरे मैंने कब किया? मैंने नहीं लिया। देखो झूठ मत बोलना, मैंने देखा था तुम्हें फोटो निकालते हुए। अरे वो मैं इस बगान का फोटो ले रहा था। हेलो, झूठ मत बोलिए, जो फोटो लिया वो डिलीट करो, वही ठीक है आपको। अगर लिया हो तो ही तो डिलीट करना है ना, वैसे भी मुझे आपकी फोटो क्यों खींचना है? वो मजल मैन विष्णु बिना वजह हमारी फोटो निकाला था। ए, उसको छोड़ दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भैया, समझने की कोशिश करो। हमने आज तक तुमसे कंप्लेंट किया है क्या? ऐसी बात है तो उनको फोटो लेने के लिए अच्छी जगह को मैं दिखा दूंगा। Fantastic. यहाँ पे इतना अच्छा जगह है, नीचे चले तो और भी अच्छा स्पॉट्स मिलेगा। चलेंगे क्या? और वहाँ देखने के लिए खूबसूरत लड़कियों भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से घुस के मर गए थे ना, उसमें ज्यादा लड़कियां ही हैं। क्या तुम चले गए? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच ही बता रहा हूँ। ओ फोन निकाल। क्या समझ रहे? फोन निकाल। अगर नहीं निकाला तो क्या करेंगे? मैं क्या छोड़ूंगा, देखना है क्या? मैंने ऐसे ही पूछा। फोन निकाल। लो। तुम्हारी अलावा इस फोटो को कौन खींचा? बताओ। सॉरी, मैंने बस इसे ऐसे ही खींच लिया था। उन लोगों की इजाजत के बिना तुम फोटो लेंगे क्या? हे, देख, ये शहर नहीं है, प्राण से ज्यादा इज्जत को समझने वाले लड़कियां यहां रहती हैं, मर जाएंगे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उन्हें तंग नहीं करूंगा। लोगों को ही नहीं, किसी और को भी, समझे?
प्लीज मेरा फोन चल रहा है। नहीं सर, मुझसे कुछ नहीं बोला। ओके सर, वर्गी सर का फोन था। शिट, ऐसी क्या बात हुई अचानक वो यहाँ से चले गए? कौन कहाँ गए थे? अरे वही विष्णु, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं बोलकर सुबह ही चला गया यहाँ से। ओफो, क्यों ऐसा किया? कितना भी अर्जेंट हो बोल के ही ना निकलना। वर्गी साहब ने भी यही पूछा। किसी अर्जेंट काम होगा, नहीं तो सर एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट। क्यों छोटे लाल, बहुत दिन हुए मिलके, कहाँ थे? मैं किसी छोटे काम से दिल्ली गया हुआ था। पार्टी के लिए थोड़ा चंदा चाहिए था, इसलिए मैं दिल्ली गया था। हाँ, लेकिन फूटी कोड़ी भी नहीं। ऐसी क्या बात हुई? मैंने तो सोचा था कि विष्णु सर से मिलते ही सभी परेशानियां मेरी दूर हो जाएंगी, यही सोचा था मैंने। लेकिन एक बात कहता हूँ सर, वो एक बहुत अच्छे आदमी है। मुझसे बोले वगैरह ही चला गया वो यहाँ से। अगर आप किसी को डरा के भगाएंगे तो क्या बताएगा? धमकी दे के भगाया? कौन? वो अपना बोलना। जीवा ही है। जीवन ने? हाँ जीवा ही। जीवन क्यों विष्णु को भगाएगा? वो जेनी जब कॉलेज से आ रही थी, विष्णु सर ने जेनी के साथ एक फोटो खींची, लेकिन वो जीवा को पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, अगर हमारी जेनी के साथ कोई बात भी करना चाहता है तो जीवा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसी वजह से बात कर करके उनमें झगड़ा हो गया। यदि ऐसा हुआ तो इसमें गलत क्या है? जीवन को पूछने का हक जो है, इसी बात पे विष्णु गया है तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं। यही इसका कारण है। और एक बात सर, आपकी जानकारी के दूर भी उनमें एक रिश्ता है। क्या बोल रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ उस पे एतवार करो। दोनों का रिश्ता भाई बहन जैसा है, उसे कलंकित मत करना। इसीलिए मैं आपको कोई भी बात नहीं बताता हूँ। देखिए, कुछ भी कहने से झूठ सच नहीं हो जाता है, ये आज कल की बात नहीं है सर। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कई जगह पर कई बार देखा हूँ, और फिर ये बात मैंने आपसे बताई, ये आप मत कहना। और एक बात, मैंने जो कहना था आपसे कह दिया, अभी आप अपना ख्याल रखो। जल्दी आ गए क्या? तुम्हारी माँ कहाँ गई? जया आंटी घर गए हैं। क्या पापा, क्या हुआ आपको? कंपनी में कोई प्रॉब्लम? आपके लिए कॉफी ले आऊं? नहीं, जरा रुको। पापा, आपको क्या हुआ? पापा क्या तकलीफ है? मैं जाके मम्मा को ले आऊं? नहीं। क्या हुआ पापा? मेरे लिए तुम एक छोटी सी बच्ची हो अभी भी, मगर दूसरों के सामने तुम एक बड़ी लड़की हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम जीवा से
पापा मैं मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती है। अरे कैसे बताऊँ, लोग बेवजह अफवाह उड़ाते रहते हैं है ना? हेलो। अच्छा तुम कहाँ हो? घर में ही हूँ, क्या बात है? लगता है पापा को सब पता चल गया। कैसे? पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था। तुमने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, बता नहीं पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है जीवा। पहले तुम फोन काट दो, हम मिलेंगे। ठीक है। क्या हुआ? जब से आप आए हैं ऐसे उदासी रह रहे हैं। जेनी कहाँ है? वो सो रही है, उसको सर दर्द है, कुछ पाया भी नहीं। क्या हुआ? जैसे हमने सोचा वैसा नहीं है। मुझे शक है कि हमारा सपना कहीं टूट ना जाए। कल छोटे लाल ने मुझे कुछ बातें बताई, मैंने विश्वास नहीं किया, मगर अब विश्वास हो रहा है। किस बात पे? हमारी बेटी और जीवन के बीच का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता नहीं है। हे मादा, धीरे से बोल, कहीं उसने सुन ली तो? मुझे उसे अभी पूछनी है। नहीं 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 नहीं, अभी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जेनी से मैंने पूछा, फिर कुछ नहीं बताया, सच बात नहीं बताई उसने। कहीं सच हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अब क्या करना है? फिलहाल तुम उसे कुछ भी मत पूछना। दोस्त के बेटे हैं, बेटे जैसे हैं ऐसे कहते हैं। ये सब आप ही की वजह से हुआ। अब दोष मुझे दे रही हो? मैं आपको कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मगर आप मंदिर को, मार्केट को, उनके साथ बाइक पे चल रही है। आप ही तो जाने को कहा है ना? तब ऐसा कोई बंधन होगा, इसे हमने सोचा भी नहीं था। खैर, मैंने सोच के रखा क्या करना है। मैं भी सुबह से देखता ही रहा हूँ। क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ बोलो? कुछ भी नहीं। हम तो आज ही मिले क्या? बे समस्या का बोलो ना, कल भी बिना बोल के चले गया। तो क्या हुआ? मैं समझता हूँ तेरा मन में कुछ समस्या तो है। कुछ समय के लिए अकेला छोड़े मुझे। अरे बोलना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझसे वो छुपा रहे? तुमसे बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। अब ऐसा हो गया क्या हाल? या देख, एक ही रात में इतना बदल गया तू, वो कैसा हुआ वो मुझे बताओ। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो। वो तो ठीक है, मगर ये क्यों? हाँ, ये सब छोड़ दिया ना तू पहले? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? गाड़ी पीछे लीजिए, पीछे लीजिए सर, रुकिए जरा, वहां देखिए क्या है। जीवन की बाइक है ये, अब वहां देखिए सर। अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया है ना? सर, बगैर किसी कारण के इसने विष्णु सर को क्यों भगाया, अभी आप इसको जान गए ना? सर, सेदू सर इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं, सेदू सर इतने सीधे नहीं हैं। इसके बाद ही आपको पता चलेगा वो कौन है। लेकिन मेरा नाम मत लेना। सर प्लीज, गाड़ी से मत उतरना, वो आपकी बेटी है, इसे मत भूलना आप। सुनिए, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, कटता तरबूज ही है। एक काम कीजिए, गाड़ी निकालिए। गलती से होगी, अनजाने में नहीं हुई है, जानबूझ के गलती कर रही है ये।
जीवन से तेरा क्या संबंध है? सुना नहीं तुमने? पापा, मैं शिवा को प्यार करती हूँ। एक ही बेटी है समझकर लाड प्यार से पाला, उसका ये सलाह दे रही है तुम मुझे? आज से तुम्हें घर से बाहर नहीं जाओगी। अब कौन कहाँ जाएगा मैं फैसला करूंगा। जाओ अपने कमरे में, रुक जाओ। आज के बाद अगर उसे बात करने की कोशिश भी की तो फिर तुम अपने इस बाप का दूसरा रूप देखोगी, समझ गई? पापा को बोले मत मारे, तेरी की वजह से हो रहा है। पापा, मत मारिए। क्या हुआ तेरे को? क्या कर रहा है तू? छोड़ दो, आइंदा उसको मारो तो सही। तू मेरे बेटे को मार रहा, वो क्या गलती किया? हट जाओ सामने से। पहले क्या हुआ वो बोल। कहा ना हट जाओ सामने से। मेरा खून होने के बाद ही उसको मार सकता तू क्या? छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे मारो मेरे पापा के ऊपर। क्या यही तेरा बाप है? जवाब दो। बाप है, है? हट जा बे। तूने मुझसे पूछा ना कि मैंने इसे क्यों मारा है? मैं बोलता हूँ, इससे मेरी बेटी से प्यार हो गया है। 5-6 बच्चे नहीं है, मेरी तो बस एक ही बेटी है। तुम दोनों की रंगरलियों की कहानी आज मेरे कानों तक पहुँच गई। इसे मार दोगे लेकिन तुमसे शादी नहीं होगी। अगर तुम अपने जिद पर अड़े रहोगे तो जाके अपने बाप को बुला के लाओ। इसकी ओर क्यों देख रहे हो? तुम जाके अपने असली बाप को बुला कर लाओ, तब मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूँ। क्या हुआ तुझको? अपने आपस क्या संबंध है? मैं तो ये रिश्ता सोच भी नहीं सकता। हर एक विषय को एक मौका रहेगा, मगर प्यार किया ना, एक के अलावा एक नहीं जी पाएंगे। तो क्या भी बोलो, तू जो किया ना वो अच्छा नहीं किया। अगर जो उसके जगह मैं होता मैं भी यही करता था। कुछ मत बोलो, मगर ये तू याद रखो, तेरे से प्रॉब्लम नहीं होना। आज ही सब कुछ भूल जा। अपने आप के बारे में कुछ सोचा क्या? नहीं पापा, अगर मैं जीऊंगा तो जनी के साथ ही होगा। क्या तू सुबह सुबह बकवास करता है? उन बच्चों को यहाँ भेज। हाँ, जल्दी से यहाँ भेज। इतना काम है और ये बकवास किए जा रहा है। अब तू फोन नीचे रखेगा कि नहीं? नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते साहब, आपको देखे बहुत दिन हो गए। काम ऐसा है, समय नहीं मिलता। खाने को क्या है? पूरी, पोंगल, डोसा सब है साहब। बैठिए, आप क्या खाएंगे? आपम। आपम मुझू आपम दो साहब को। अरे यहाँ साफ कर बेटा। पानी तो उठा ला जाकर, जल्दी जा। मुनियांडी। क्या साहब? कौन है ये छोकरा? इससे पहले मैं यहाँ देखा नहीं ना। ये एक अनाथ है, कोई नहीं है इसका साहब, कोयम्बतूर का है, गाड़ी में मेरे साथ आ गया। वहाँ अनाथ आश्रम में बहुत कष्ट था, इसलिए वहाँ से भाग आया। आया था तो बदन पे पूरे घाव थे इसके। उसका राय पूछ के उसके भेजना था ना। उसकी हालत को देख के मेरा दिल नहीं किया उसको वहाँ भेजने का, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। खाना तो अच्छा है ना साहब? बढ़िया है।
क्या काम करता है तू? अच्छा क्या नाम है तेरा? जीवन। तू मेरे साथ आओगे मेरा घर? क्या कुछ तो बोलो ना। बेचारा बच्चा। बस बस साहब। अच्छा उन्हें एंडी निकलता हूं मैं। ठीक है साहब जाइए। गाड़ी पे चढ़ा? तू मेरे साथ आ रहा ना? ये तो तेरा ओनर को बोला? नहीं चला तू ऊपर बैठ। बोला ना ऊपर बैठो, मैं तेरे मालिक को बताऊंगा। मुनियाडी को मैं हैंडल कर लेता हूँ। जी। वो क्यों ऐसा कर रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उसे ठाठा ना जो वो किया ना वो गलत बोला बस। मैं तो बोल के चुकना है ना। ठीक है मुझे बहुत डर है आजकल का बच्चे लोग हैं। रेनू कहाँ है? वो अंदर रो रही है बहुत। जब रिश्ते में प्रॉब्लम्स आता है ना प्रियलोग वो तो सह ना पाएगा। अच्छा खुदा ही हमको रास्ता दिखाना है। जो मैंने कहा तुझे अफसोस लगा? उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला ना। माँ और रेणुका भी बहुत चिंता करते हैं। आओ ना घर जाएंगे। रेणु उनके पास बोलना ही पड़ेगा। अभी मेरे बारे में वो गुस्से में होगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए ही इम्पोर्ट उसकी भाई उसको चाहिए। गलती तो मेरी है पापा, सब कुछ खो गया हूँ ऐसा समझा मैंने। लेकिन उसके बाद मुझे सब कुछ मिला है। लेकिन मैं प्यार करना नहीं चाहिए उसको, मैं मर्जी से नहीं किया। हम लोग सिर्फ हमारे बारे में ही सोचे थे। नहीं पापा मैं जनी को भूल नहीं पा रहा हूँ। अगर भूलना है तो जरूर भूलना चाहिए। हमको तू होना जरूरी है। हम जानते हैं तू एक अनाथ है फिर भी प्यार दिया ना। तेरी माँ को रेणु से तुझसे प्यार है। हम कैसे तेरे को खो सकता है बोलो। जोस भाई को मैं सालों से जानता हूं। वो एक ईगो कैरेक्टर है वो सच है, फिर भी वो बहुत बोला है। वो जानता कि ये कभी नहीं होगा इसलिए तो वो चैलेंज किया। सबका मन तोड़ने के बाद एक खानदान शुरू करना अच्छा नहीं है। प्यार से शुरू करना। जो से तू ये एक्सपेक्ट नहीं करो, तू अनाथ नहीं है। ये पापा और मावा जीवित है ना, तेरे सूरज के सामने कोई ऐसा नहीं बोलेगा। इसलिए मेरे बेटा पापा ने डिसाइड कर दिया हम ये गांव छोड़कर चलेंगे। बिना जान पहचान जगह पे ऐसा एक जगह पे जिएंगे। हमारा पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझको तू ही चाहिए। इतने प्यार दिखाने वाले आपके सामने में एक सच को छुपा लिया। क्या सच्चाई? मैं अनाथ नहीं। मुझे माफ कर देना। कभी भी मैंने सोचा भी नहीं सुना भी नहीं एक परिवार
एक प्यारी सी बहन, मेरी दोस्त और आप सब लोग ने दिया एक अद्भुत जीवन, उनको मैं नहीं खोना चाहता हूँ। इसलिए एक अनाथ आश्रम की कहानी को मैंने ही लिखा था और उस झूठ को आप सभी ने सच माना। मैं किसी अनाथ आश्रम को गया भी नहीं हूँ बेटा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी पापा, मेरी माँ और मेरी घर। तुम्हें काम करो, कल ऑफिस आ जाओ, ठीक है? चाहे कोई भी कुछ बोले, लेकिन अन्याय के साथ कभी नहीं देगा ये लॉरेंस, दैट्स ऑल। देखो, वर्क में चीट करोगे तो मेरे सीनियर्स को बताना, मेरा फर्ज जो है, और बताऊंगा, झूठ नहीं कहूंगा। बेटा बस करो, खेल चाय पी के होमवर्क करो। पढ़ता हूँ मम्मी। बस करो ना खेल, जल्दी से पढ़। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे क्या करना है तुम ही सोच के बताओ, ओके? क्या हुआ, किसके साथ चिल्ला रही हूँ? अरे वही राजेंद्र, वो माफी मांग रहा है, माफ करने के लिए बैंक को इसकी जागीर है क्या? नहीं ना, वो क्या कर रहा है वहाँ? स्कूल के आने के बाद खेल रहा है वो। उसकी खबर लेता हूँ, जब भी देखो इसे मैं तोड़ दूँ क्या? प्रोग्रेस कार्ड का मार्क देखा, बहुत खूब, क्या क्या पढ़ो तुम? बड़ा खेलने वाला, सिर्फ एक बच्चे समझकर इतना लाडली। तुमसे बोला जाके पढ़ने के लिए। नो नो नो, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। पापा मेरा शू दिखाई नहीं दे रहा है। तुम फटाफट रेडी होते कि नहीं? बड़ो ये शू, शाम तक सारे पेपर्स मिल जाने चाहिए मुझे, दैट्स ऑल। हम जा रहे हैं, जल्दी से आना। शू मिला नहीं माँ। तुम याद करो ना कल कहाँ रखा है। कल मैंने कहाँ रखा? अरे पिताजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। मेरा शू दिखाई नहीं दे रहा। ओ, अब शू कहाँ ढूंढे तेरे? पढ़ाई के बिना खेल रही है क्या? पापा से मिलेगा तुझे। खेलो तुम और भी खेलो, तुम पढ़ना मत, ताल पे ताल लगाओ। चलो ताल लगाओ, पहले जैसे के वैसे ही करना होगा। चलो ताल लगाओ, डू इट। देख मेरे आने तक ताल पे ताल मिलाते रहना, बीच में कहीं रोक दिया क्या लॉरेंस? नो नथिंग। आइंदा इसकी सिफारिश लेके मत आना तुम, बोल दिया, इसकी खैर नहीं। बेटा सब बंद करो। नहीं पापा, मुझे मारेगा। क्यों बे, रोक गया, बुलाओ, बोला ना। सर देख के इसका हाथ टूट गया। कोई बात नहीं, तभी अकल आएगी, ताल मिलाओ। मुझसे पूछे बिना रोक दिया ना, पता है ना मेरे बारे? अच्छे से पढ़ना। अच्छा, प्रणाम सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। अच्छे है ना? हाँ हाँ, तुम लोग जाओ। ठीक है। और आप दोनों कैसे हैं, दिखाई नहीं दिए? चल रही है बस। हाँ, वो कैसे है सब, अच्छा से पढ़ रहा है क्या? हाँ, बाकी सब तो सही है। जब आप दोस्तों के साथ होता है तो बहुत शैतान हो जाता है, बहुत चंचल है। हाँ, कुछ कुछ लेसन में तो वो बहुत ही पीछे है, आप बस ध्यान रखिएगा उसका।
उसका ध्यान खेल में लगा रहता है, पढ़ने को बैठाइए उसको। आप लोगों को दुख होगा इसलिए अभी तक बताया नहीं था मैंने आप। मतलब वो बहुत ही खुराफाती है। कुछ वक्त तक आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। नया स्कूल कैसा लगा आपको? कोई बात नहीं सर, अभी सबको मिल के आ रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। नमस्ते। ए, आज सोने से पहले इस पत्नी को 100 बार लिखोगी तुम, उससे पहले घूंट पानी भी नहीं पियोगी तुम। तुम्हें कुछ चाहिए तो मम्मी ला कर देगी, समझ गया ना? लिखना काफी नहीं है, कंटेस्ट करके मुझे सुनाओगी तुम पूरे पत्नी को। मुझे नहीं लिखना है। कब सीखा तू ऐसे बात करने के लिए? तेरी तो क्या सोचा तुमने? ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप की सारी कमाई तुम्हें मिलने वाली है। छोटा कमीना नालायक। तुम्हारा मार्कशीट देखने के बाद इतना शर्म आ रही है मुझे सबको देखने के लिए। ए, ये क्या कर रहा तू? इसे कोट पानी भी मत देना। चल चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। शोर मत करो, शोर करेगा तो जान से मार दूंगा। चल चुपचाप चल। ये बच्चा कौन है? देखने में तो बड़े घर के लग रहा है, क्यों भाई उठा कर लेके आया क्या? ए, इधर आ बे। क्या है? अरे बाप रे। तू अपने काम से मतलब रख, इसके बारे में तू मत चिंता कर, वो मैं देख लूंगा क्या है। चल मेरे साथ। इस लफंगे का तो यही काम है। इस लड़के को छोड़ दे। यहाँ जरा क्या काम है? तू जाके अपना काम देख। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं सुनूंगा। मेरी बहन का बेटा है, मुझे देखने के लिए इसको यहाँ भेजा है। तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, सच है ये, तू देख ले। आज से ये मेरी दुकान पर काम किया करेगा। यहाँ से निकल, डर मत बेटा, चल मेरे साथ। बेटा मुझे माफ कर देना माँ, आप सबको मैं। क्या बेटा, बच्चों को गलती माँ बाप ने बिल्कुल मानेगा। बस बस रोना बंद कर, मेरा बेटा नहीं रोएगा। बचपन से होगा हुआ एक गलती उतना ही है बेटा। तो चिंता मत करो,
जल्द से जल्दी तेरा पापा और माँ को हम लोग खोजना ओह जरूर ढूंढना पड़ेगा। आज वो लोग क्या हाल में है ये तो हमको नहीं पता है ना, क्या हो तभी से ही हम ढूंढना, उनके पैर पकड़कर तू माफी मांगना। बेटा पापा और माँ की खुशी ही बच्चों के आशीर्वाद बनता है। पर उन लोगों को कैसा ढूंढेगा? उसको तो सब कुछ याद है, उसका चर्च, उसका स्कूल, अपना पापा की नाम, पैदा हुआ शहर सब जानता है। ये बस हम लोग ढूंढेंगे। तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल ढूंढ लेगा, फिर भी मेरे मन में एक धड़क। एक क्या है माँ? तो मुझे छोड़ के जाएगा ना? ऐसे बातें मत करना। मुझे नाराज है क्या? ये क्या है? कितने लोग मुझे मिले तो भी तू ही मेरी बहन है, सिर्फ तू। कल अकाउंट्स पूरा सबमिट करना, जानती हो ना? हाँ सब मैं देख लूंगी सर। साले सर, एक तारीख से लेके अब तक का स्टॉक लिस्ट फाइल कहाँ है? सर वो सेदू सर को दे दिया। जिस फाइल को मेरी मेज पर होनी चाहिए उसे तुम वहीं पे रखोगी, समझ गई? ठीक है सर। आज सर को क्या हो गया? नहीं मैं तो सब कुछ आपको दे दिया है ना? वो सब उसका टेबल में ही है। फिर क्यों ऐसा पूछ रहा है? कुछ तो बोलना है ना? नहीं मैं दो तीन दिन से देख रही हूँ जो सर को कुछ हो गया। सब कभी भी एक जैसे नहीं रहेगा ना? वो तो सच है। अब तू चल। ठीक है तुम क्या फैसला किया? कितने दिन ऐसे खाना पीना छोड़ कर रहोगे बोलो? मैं तो खा रही हूँ ना। हाँ देखा मैंने तू क्या खा रही हो। हमेशा एक जैसे खा नहीं पाएंगे ना। मैं जो भी कहूँ तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तेरे उम्र ऐसी है। सच कहूँ तो मैं और तेरे पापा गलत किया है। अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ नहीं देखा। आप मेरे और जीवा के बारे में ही बात कर रहे हो ना? वही तो कह रही हूँ, ऐसे ही तुम समझ लो। उस जीवन के बारे में तुम क्या जानते हो? वो एक अनाथ है। पता है, जीवा बहुत अच्छी इंसान है मम्मा। फिर क्यों इस बात को तुमसे छुपाया है उसने? किसने कहा वो मुझे बताए नहीं? उन्होंने सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया। तुम क्या समझ रहे हो, एक अनाथ को देख कर तुझे शादी करवाएंगे? मुझे चैन से जीने दो ना। हमने तो ये सोचा कि तुम दोनों पागल प्रेमी नहीं बल्कि एक भाई बहन की तरह रह रहे हो। तेरे लाख छटपटाने से भी तेरी शादी उसे नहीं होने वाली, भूल जाओ तुम उस हरामजादे को। देखो बेटी तुम्हारे पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो तुम पढ़ो या फिर विवाह करो। अगर पढ़ना चाहती हो तो खूब पढ़ लो तुम, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि खुशी ही होगी। मगर विवाह करना है तो तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे, उसी वर के साथ होगा जिसे हम चुनेंगे। और अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ लूंगी लेकिन जिंदगी में जब मेरी शादी होगी ना तो जरूर आपकी मर्जी से ही होगी। लेकिन क्या मगर? मैं अपनी जीवा के बगैर तेरा जीवन अब नहीं बोलूंगी, तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। एक बात मैं बता देती हूँ पापा, मैं अपने पापा को छोड़ के जीवा के साथ कभी भी नहीं जाऊंगी पापा। We'll be right back.
जीना नहीं माहिया, प्यार को ना समझिए दुनिया, जैसे माझी के बिना नैया, बीच में मझदार के डोले, तेरे बिना जीना नहीं माहिया, प्यार को ना समझिए दुनिया। गया खुशियाँ मेरे दामन से कोई, और बिछड़ गए ऐसे जैसे राहें दो। ले गया खुशियाँ मेरे दामन से कोई, और बिछड़ गए ऐसे जैसे राहें दोष भी दे किसको हम ये बता दे जरा, अपने सब गए बिछड़ मोड़ पर छोड़ कर, और हम कारवां देखते रहे, तेरे बिना जीना नहीं माहिया, जैसे माझी के बिना नैया, बीच में मझदार के डोले। देखता हूँ मैं जाने किस खुशी की राह, बस नजर आती है दो परछाइयाँ, देखता हूँ मैं जाने किस खुशी की राह, बस नजर आती है दो परछाइयाँ, जानी जाएंगी ये राह तेरे कदमों को, हम सफर की चाह मैं खड़ा सोचता, तेरे बिना जीना नहीं माहिया, प्यार को ना समझिए दुनिया, जैसे माझी में मझदार के डोले, बीच में मझदार के डोले, बीच में मझदार के Whoa!
मेरी गर्दन। मुझे डर लग रहा है। क्यों चिंता कर रहे हो? आना। डरो मत। कौन है, आपको क्या चाहिए? लॉरेंस का घर यह है ना? हाँ, उन्हीं का है, लेकिन उन्हें यहाँ से जाकर कई साल हो गए। मैंने उन्हीं से ये घर खरीदा था। क्या काम था? एक इम्पोर्टेंट मामला है। ऐसा क्या? आइए बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मोनार से आ रहे हूँ। ऐसा क्या? लॉरेंस और मैं पुराना फ्रेंड्स हैं। बहुत सालों से कांटेक्ट छूट गया। ठीक। ये मेरा बेटा है। हाय। इनके काम के लिए लॉरेंस से छोटा सा मदद चाहिए। मैंने जब ये घर खरीदा था उनसे, तब वो बैंक के रीजनल मैनेजर थे। रिटायर होने के बाद भी उससे कुछ हो सकता ना? अगर मैं उससे मिला तो। जिस दिन से मैंने घर खरीदा उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं है। ऐसा क्या? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बोलने भूल गया, मेरा नाम सेदू। अच्छा, आप एक काम कीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे, वहाँ एक कैथोलिक चर्च है। उसके फादर या किसी स्टाफ से मिलिए, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। अच्छा सर, फिर हम चलते हैं। बैठिए, चाय पी के चलते हैं। कुछ नहीं मांगता सर। ठीक है। कौन हो तुम? बहुत दूर से आ रहा हूँ। क्या बात है? ओ, एक आदमी का पता चाहिए। बहुत कष्ट सहने के बाद यहाँ से गए। उनका बैंक का काम है, बीवी का स्कूल में, एक ही बेटा है। लेकिन कहकर क्या फायदा, बुरा वक्त पे कुछ न कुछ हो ही जाता है। 9-10 साल के बच्चे का काम तो देखो, कितना बुरा काम किया है। बच्चे का उल्टा सीधा काम को देखकर उसे बहुत मारा सुना है मैंने। जो भी हो, वो बच्चा उसी रात घर छोड़कर भाग गया। ओ, कहां गया वो पता? वो तो पता नहीं, शायद उस दिन फादर मैथ्यूज थे ना, उनको पता होगा। फादर मैथ्यूज? हाँ, फादर। फादर मैथ्यूज को मैं जानता हूँ, अभी उनसे मुलाकात हुई थी। उनका नंबर मैं अभी देता हूँ। बहुत शुक्रिया फादर, ये तो मैं नहीं भूलूंगा। आ बेटा। नहीं पापा, वहाँ लोगों की बात ही बस है। फादर के मुंह से गालियां मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। आप जाइए। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। आ बैठिए। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सेतु है, मुनार से आ रहा हूँ। ठीक है, कहिए। फादर, एक आदमी का जरूर पता करना है। किसके बारे में? यहाँ पहले एक चर्च है ना, बड़गम पट्टी पे। हाँ हाँ। मुझे वो लॉरेंस के बारे में जानना। वो एक बैंक मैनेजर था, उनका घर का नाम था पीस कॉटेज। हाँ, लॉरेंस। हाँ फादर। क्यों पूछ रहे हैं? आ फादर, वो तो एक जरूरी मामला है, मैं सब कुछ बोलता हूँ आपको। ठीक है, आइए। अभी के लिए एबी के नाम से लॉरेंस के दिल में उसको जगह बनाने दो। ठीक है। उसके बाद लॉरेंस क्या सोचता है ये हम देखते हैं, उसी के हिसाब से उसको बताएंगे फिर। हाँ,
लॉरेंस का एड्रेस तो तुमको पता है ना? याद है, तिरछी में महात्मा कॉलोनी के बगल में। बहुत बहुत शुक्रिया फादर। ठीक है सर, ध्यान है ना तुम्हें? हाँ ओके फादर, मैं फिर... हाँ ठीक है, कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, शुक्रिया फादर। गॉड ब्लेस यू। ये नाम मेरी माँ की है। बेटा तू पहले जाना। पापा आप अब तू तक जा, वो बस डरो मत। फादर मैथ्यूज भेजा बोलो, कोई संकट नहीं रहेगा। लेकिन आपके बिना। तुमको समझना चाहिए, मुझसे बहुत प्यार, मुझसे बहुत स्नेह भाव से। दूसरा तुझसे प्यार किया तो मुझे, मैं नहीं संभाल सकता हूं। एक पापा की हक से मैं उधर आया तो अच्छा नहीं लगेगा। मर तू हमको छोड़ के चल रहा है क्या? पापा तू खुशी से जाओ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और तेरे माँ को ये सब पता नहीं चलना है, वो संभल नहीं सकेगी, उससे ये नहीं होगा। लॉरेंस सर। पापा कोई बुला रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? डैनी। कौन हो? कौन हो? मैं फादर मैथ्यूस ने मुझे भेजा। फादर ने फोन किया था, ये भी नाम है ना तुम्हारा? कहां से आ रहे हो? मोनार के पास। सर चले? हाँ। ये क्या हाथ में बैग वगैरह? वापिस जब आएंगे तो मुझे बस स्टॉप पे उतार देना। आज ही तुम्हें जाना है ना? हाँ सर। तो एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो। ये कौन है सर? इसे चर्च के फादर ने भेजा है, नाम है अभी। ऐसा क्या? गाड़ी की चाबी दो। लो चाबी। तुम गाड़ी निकालो। ओके सर। वो मुझे दे दीजिए। इससे पहले क्या करते थे? एक एस्टेट में मैनेजर के साथ था। फादर को कैसे जानते हो? मेरे पापा के दोस्त है। ठीक है गाड़ी निकालो।
राज साहब की वाइफ की पुण्यतिथि है, आज 15 साल पूरे हो गए। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक नालायक बेटा पैदा हो गया, उन्हीं की वजह से उनकी मौत हुई। यहाँ कैसे आए, क्या बात है? मैं ये भी नहीं हूँ। ये भी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? मैंने झूठ बोला, वो भी डर के। फिर कौन हो बताओ, किसने झूठ बोला तुमने? मेरा नाम जीवा, आपका बेटा। क्या जीवा? मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, मैं वहाँ आ जाऊँगा। क्या बोल रहा है तू? पहले क्या हुआ बोल। कुछ नहीं, मेरी माँ मर गई, मेरी पापा को देखने के लिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जीवा, कितने कष्ट उठा के तेरे पापा को हम ढूंढा, तू तो अब ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण है बोलो? मुझे नहीं पता जीवा। हे क्या है, क्या हो सर? वो वहां रह नहीं सकता, उसका कारण भी बोलता ही नहीं। उसे इधर आने के लिए बोल लो ना। अब हम उसको आने के लिए बोला तो फिर उसके लिए तो वो बहुत बुरा ही होगा। उसका मानसिक हाल मैंने तो देखा, तू और रेणु से मैं ये सब छुपा दिया। फादर मैथ्यूज कुछ और भी बोला। क्या? उसकी मां गुजर गई बोला। ये तो घर छोड़ा इसीलिए वो गुजर गई थी। हे भगवान। लॉरेंस को दूसरा बेटा जब पैदा हुआ ना, उसकी मां ने सब कुछ भूल गया, जिस था एक मानसिक रोगी हुई थी, ऐसे ही मर गई। उस बच्चा का उम्र अब 15 साल हुआ, नाम है डैनी। मैंने जीवन के पास कुछ भी नहीं बोला, वो कुछ जान लेगा। इसके बाद वो किसको भी खोने का ही नहीं, उसके लिए तो एक ही रास्ता है।
तुम कुछ मुझसे बोलना चाहते थे? दो दिन से मैं उसको नहीं देखा और वो हाल तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। जब मुझे ऐसा है ना, बहुत सालों से आप उनसे नहीं मिला ना, वो हाल मैं समझ सकता हूं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। आपने और आपकी पत्नी ने मेरे बच्चे की 18 वर्ष तक परवरिश चुकी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? सर मैं आपसे बोलने के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त आप वहाँ नहीं थे। मैं जा रहा हूँ सर, मुझे एक काम मिला है, इसके बारे में मेरे पापा बताया। ये तो अच्छी बात है, तुम जाओ, मौके फिर नहीं मिलेंगे। रुको। तुम जाने से पहले उस देवी से कुछ बोल के जाओ, तुम्हारी उस मां से। पापा, पापा आओ बेटा, आज मैं बहुत ही खुश हूं सेदू, बहुत ही खुश हूं, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। हे मेरे प्रभु, आज मेरे दोनों बेटे। हेलो जनी। जी वाह जनी, मैंने पापा को देखा, उन्हें भी मुझे पहचाना। पापा बहुत खुश है, अब भी उनके पास इतना गुस्सा भी नहीं है, और एक छोटा भाई भी है। पापा मुझ पे बहुत गुस्से में हैं, मुझे पता नहीं क्या करना है। तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ मेरे पापा के साथ, फिर मैं बता दूंगा तेरे पापा को, ये है मेरे पापा। तेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार किया, और मेरी माँ, और मुझे इतना बड़ा किया मेरे पापा के सामने और सभी के सामने। मैं एक बात बता दूंगा, आप सब लोगों की मन को दुख पहुंचा के मुझे कुछ नहीं हासिल करना। जीवा तुम चिंता मत करना, मैं रखता हूं। के बाद मुझे खुशी मिली है सेदू, बट टुडे इज माय डे, आज मैं पीऊंगा सारे दुखों को भुलाने के लिए। चलो पियो। सॉरी मैं तो नहीं पीता हूं। जानता हूं मैं, मगर आज तुम्हें यह पीनी ही पड़ेगी, ये मेरी ख्वाहिश जो है, पियो। दामोदर जी कहिए सर। एक कुर्सी लाके यहां पे रखो। गम के उन पलों में सिर्फ तुम ही मेरे साथ थे, तुम मेरे ड्राइवर नहीं,
तुम मेरे भाई हो, ये लो पियो। चीयर्स। चीयर्स। अभी आऊंगा। आओ ना। आओ बेटा, इसे पी लो। ना पापा। अरे पापा दे रहे, पी लो। अरे जॉन बेटे, ये लो, ले लो, ले लो। अरे मेरे जीवन बेटे, तुम भी लो। पता है डैनी, हाँ तू बड़ा आदमी बनना है। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। दामोदर। कहिए सर। मैं उसे मिलना चाहता हूं, मेरी सिसली से। मेरे दो बच्चों की मां है वो, मुझे मिलना है। बहुत देर हो गई है, आप जाके सोइए। मुझे उसे मिलना है, किसी भी तरह, किसी भी तरह। सर बस कीजिए ना, सर सर बस कीजिए। उसको सीधा तो दे सकता है ना, आपको भी परेशान लेने के लिए जरूर नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे उसे प्यार नहीं है। उसे सुधारने के लिए मैंने अपने जिगर के टुकड़े को मारा पीटा। फिक्र मत करो, इतना वक्त हो गया है। पापा ऐसे भी क्या नींद है? पापा 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 पापा, क्या हुआ, क्या हुआ? पापा उठ नहीं रहे। सर अरुण सर, अरुण सर, सर सर, 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 पापा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? लिखा है कार्डियक अरेस्ट, सुबह सुबह 4 बजे हुआ होगा, यही डॉक्टर का रिपोर्ट है। ओहो, ए जोस, क्या है, क्या चाहिए? ये तो अनाथ नहीं है, एक मान मर्यादा खानदान का आदमी का बेटा ही है ये। हाँ फिर कहाँ है वो महान? वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो सच्चाई में इसको अनाथ बन के निकल गया बस। बहुत खूब, अच्छा नाटक है।
सब परिवार ये सब आए हैं यहाँ। अरे जोस, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, एक बड़ा आदमी का बेटा है, मैं उनसे मिला, यकीन करो। देखो तुम जानते हो ना, अगर मैंने कुछ कहा तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। अरे किसके बात पर भी भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं, बोलो। नहीं पापा, मेरे लिए आप ऐसे नहीं पापा। सही कहा, कम से कम अब तो अक्कल आई, चल फूट यहाँ से। जीवा को जाने नहीं दूंगी। पापा, मुझे छोड़ दीजिए। पापा, उन्होंने जाने के लिए यहाँ से। पापा, मुझे छोड़ दीजिए। जीवा को जाने नहीं दूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? हमारे पापा ने कहा है ना, किसी के हाथ से कुछ छीन कर नहीं लेना है। मेरे भैया को भी ऐसे ही बनना है। देख रहा है, ये तो जीवा का भाई है, उसका सगी भाई है ये, जो मर चुका है ना, उन लोगों को मैं तो जीवित कर नहीं सकता। ये बच्चे लोग उनके मन में जो है वो बोला, तेरी इज्जत को नष्ट नहीं किया ना। अच्छा फिर तू पूछा ना उसका खानदान के बारे में, हाँ तेरे से उनका हैसियत बड़ा ही है, मैं ही उसका पापा हूं और ये मां है। इतना बोलने के बाद भी तू नहीं सुधरा तो तू ऐसा ही रहो, आहिंदा हम लोग तुझे परेशानी नहीं करेंगे। आओ बेटी, हम लोग चलते हैं यहां से कहीं दूर। सब आजा, तेरा बाप जो बोलो वो सच निकला, फोर्स से कुछ नहीं लेने का। मैं हूं तुम लोगों के साथ, सिर्फ मैं नहीं, तेरा मां भी है, तेरी बहन है। आओ सुनिए, सुनिए, देखिए, एक बात मैं बता देती हूँ पापा, मैं अपने पापा को छोड़ के जीवा के साथ कभी भी नहीं जाऊंगी पापा। जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा बोलो। मेरा दोस्त जोस।